एक बार आ जाओगे मां? और नहीं कोई, बंद कर बंद कर राजन, बस ओके छोड़ दे, अभी कोई मत खिलो, ओके सर, ओके लॉर्ड रोलिंग, ओके राजन राजन ओके रोलिंग सर, एक्शन गुड मॉर्निंग रोलिंग सर। ये रिफ्लेक्शन समझ में आ रहा है क्या? नहीं नहीं थर्मोकोल दिख रहा है ना साला। आई
आपका थोड़ा सा रोलिंग किया एंड एक्शन इतनी सर की लाइन से लोग आगे आगे सुनी लीजिए चली हां सर करें रोलिंग यू नॉट सपोज्ड टू बी चलो एक्सक्यूज मी उत्तर सरेंडर चलो मैं लग गया लाल उत्तर यहां से इससे पहले कुछ नहीं कर सकता सब बड़ा काम था अब तू भी अपने कमरे में जा और आराम कर ओके कान से कान लगा देना सुनने की कोशिश कर रही हो क्या बोल रहे हैं देखा ये हो गया देखा ये जाने लगा वो हेलो इधर से ओके देखा निकल गया वो भी आप रजनी को देख रहे हो ओके बाबूजी ये भी निकल गुड नाइट बेटा लुक दिया ऐश्वर्या को चल अंदर इसकी बैंड बजाते हैं सर पे लगी इसके और इसमें जाते हुए देखा ए बाकी डोर कि वो शान के साथ टाइम स्पेंड करें हमारा प्लान कुछ और है कि हम क्योंकि उसकी आंखें बंद हो गई हैं मम्मी ने सजेस्ट किया कि शान को नहीं देखना है तो इसीलिए आंखें बंद करके वो घूम रही है तो उसमें हम क्या मज़े लेते हैं वो है ये सीन क्या है ना शौगता और ऐश्वर्या दोनों मिल के ना कुछ तो घोटाला करने का रजनी के साथ यही उन लोग का हमेशा से प्लान रहता है अभी ऐश्वर्या तो वही से घोटाला दिमाग से अब उसको शौगता का कंपनी मिल गया तो ऐसा रजनी को घुमाएगी देखते जाना आगे आगे स्टोरी नहीं बताएंगे हम लोग सस्पेंस कुछ तो ट्विस्ट बता दीजिए बिल्कुल नहीं ट्विस्ट बता दिया तो फिर क्या मजा रहेगा अभी आपको पता चलेगा ना कि हम लोग क्या ट्विस्ट उसका लेते हैं जिसकी वजह से वो पूरी ट्विस्टेड हो जाती है बहुत मजा है वो जो हम उसके साथ एक पंगा ले रहे हैं उसकी आंखें बंद है तो हम क्या क्या कर सकते हैं उसके साथ आप इमेजिन कर लो इमेजिन करने का ऐसा आंख बंद करके तुम लोग भी आंख बंद करने का इमेजिन करने का मिल्स अभी कि रजनी की समस्याएं बढ़ने वाली मुश्किलें बढ़ने वाली डेफिनेटली शौगता आ चुकी है उसकी लाइफ में उसकी मुसीबतें मतलब पहले सिर्फ भाभी और घर में ऐश्वर्या वगैरह थी उसको परेशान करने के लिए अब मैं भी आ चुकी हूँ तो अब उसका बचना मुश्किल है अभी मेरे को ऐसा लगता था कि ये क्या 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 हाँ मैं सिर्फ रजनी को हैंडल कर सकती थी लेकिन अभी मेरे को शौगता का एकदम पावर मिल गया अभी दोनों मिलके रजनी को ये स्लो मोशन में ऐसे उसको स्टाइल में क्या करेंगे वो हम लोग बताने नहीं वाले नेवर नेवर ओके मैम नो इशू हम पता लगा लेंगे जरूर जब एपिसोड टेलीकास्ट होगा तो आपको खुद ही खुद पता चल जाएगा कि हम लोग उसके साथ क्या करने वाले हैं और क्या होगा उसके साथ जैसे कि शूटिंग ऑफ हो गई अभी तो रिलैक्स होने के लिए क्या करते हैं रिलैक्स होने के लिए घर जाकर हम लोग एक तो सबसे पहली बात एक अच्छा सा शावर लेते हैं उसके बाद
जब अपने घर वालों के साथ बैठते हैं, थोड़ा सा टीवी देखते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, बातें करते हैं, उसी में हम रिलैक्स हो जाते हैं। और आप मैम, आप तो दिखने में ऐसे दिखते हैं कि फुल कॉमेडी। अच्छा, मैं तो चेहरे से कॉमेडी दिखती हूँ? नो मैम, मिस आपकी एक्टिंग। मैं चेहरे से कॉमेडी दिखती हूँ लेकिन इससे मैं बहुत सीरियस हूँ, एकदम बात नहीं करती, ऐसे रहती हूँ मैं। इसको भी मैं बिल्कुल बात नहीं करती हूँ, सिर्फ हम लोग क्या है ना अलाइनमेंट करने का इसके लिए, नहीं तो मैं ऐसे रहती हूँ हमेशा। नहीं मैं मस्ती कर रही हूँ, लेकिन मैं क्या बोल रही थी, क्या क्वेश्चन था आपका, मैं भूल ही गई। रिलैक्स होने के लिए क्या? हाँ, रिलैक्स होने के लिए, रिलैक्स होने के लिए मैं ऐसा करती, कभी कभी जॉगिंग पे जाती है, कभी कभी रनिंग पे जाती है, कभी कभी मैं दूसरों को भगाती है, ऐसे में करती रहती हूँ और खाती वाती रहती हूँ बहुत कुछ। जैसा कि आपने बताया, रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या डिफरेंस है? क्या रियल लाइफ, क्या क्वेश्चन है करोड़ों का। रियल लाइफ और रियल लाइफ में सिर्फ डिफरेंस ही डिफरेंस है, क्योंकि मैं रियल लाइफ में बाई नहीं हूँ, मैं एक एक्टर हूँ। हाँ, ये तो सबसे बड़ा डिफरेंस है। मैं ऐश्वर्या नहीं हूँ, मैं बाई नहीं हूँ, घर में एक काम नहीं करती। मेरी मम्मी से पूछो जाके, यहाँ तो मेरे को इन लोग इतना काम कराते हैं, बोलने का नहीं, मैं क्या बोलने का इसी से पूछो। हाँ यार, कोई ऐसा नहीं होता कि हम लोग अपनी असल ज़िंदगी में, मैं शोभिता जैसी नहीं हूँ बिल्कुल भी, और बड़ा मुश्किल हो जाता है इस तरह का इतना बिची रोल प्ले करना, बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अपनी असल ज़िंदगी में यार हम लोग अपना आराम से जीते हैं, हम लोग को भी अच्छा लगता है अपना टाइम स्पेंड करना, इधर उधर मस्ती मारना। यहाँ पर तो ये शौकता है, जब देखो प्लानिंग करती रहती है किसी ना किसी चीज़ की, कुछ ना कुछ किसी तरह से रजनी को हार्म करने की। ऐसा कौन करता है असली ज़िंदगी में यार, कोई नहीं करता। लेकिन फाइनली एक चीज़ हम ये कहना चाहते हैं, बहू हमारी रजनीकांत इज टोटली योर कॉमेडी, लाइट कॉमेडी, इसमें कोई ऐसा कोई ये सब ऐसा सब नहीं है। हम लोग जो भी अगर थोड़ा सा प्ले भी कर रहे हैं रजनी के साथ, वो सब एक ना फन है, एक मस्ती है, वो नेगेटिविटी एकदम ऐसी वाली नेगेटिविटी नहीं है। तो इसमें ऑडियंस को टेंशन लेने वाली, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अ कॉमेडी शो एंड इट्स फन शो। जैसे कि आपने मैम, जैसे कि अभी आपने बताया कि कॉमेडी शो, यहाँ के जो स्टाफ है देखा जाए तो जो भी यूनिट है वो भी फुल कॉमेडी मस्ती करती रहती है, जैसे कि हमने जो देखा है। यूनिट के बारे में थोड़ा बताएं। यूनिट के बारे में क्या बताएं, एक से बढ़कर एक हम लोग के पूरे यूनिट में लोग सब कॉमेडियन, मतलब एक शुरू करेगा तो चार वहाँ कमेंट्स आएंगे, चार के पांच बनेंगे, और हम सब बैठ के इतनी यहाँ ही चलती ही रहती है। और अभी तो हमारे यूनिट में हमारी शामिल होगी शोगिता, तो वो थोड़ी सी स्टार्टिंग में आई होगी, मुझे लगता है उसको लगा क्या इतना ही लोग, क्या मस्ती है वो है, बट इतनी अच्छे से एडजस्ट कर गई है, आई एम श्योर शी इज़ लविंग द यूनिट। ये बताइए। आई एम डेफिनेटली लविंग द यूनिट, क्या है कि इससे पहले मैं तू मेरा हीरो में थी, तो वहाँ पे भी क्योंकि वो कॉमेडी शो था, हम लोग की टीम भी ऐसे ही बहुत ज़्यादा मतलब मस्ती घोरती, बिल्कुल हमेशा जब देखो बैठ के खाना पीना हंसना बोलना साथ में। एंड आई एम सो ग्लैड एंड आई एम सो थैंकफुल टू गॉड कि मुझे दोबारा से इसी तरह की टीम मिली है जो हंसती रहती है। जब देखो ना किसी को भी आप बात करते हुए दूर से भी देखोगे ना, तो हंस रहे होंगे, कुछ ना कुछ जोक चल रहा होगा किसी ना किसी, क्योंकि एक तो स्क्रिप्ट अपने आप में इतनी ह्यूमरस है, अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो इन लोगों की लाइफ में भी इतनी अच्छी बात है ना कि सब लोग इतने जीवंत हैं, कितने हंसते रहते हैं, और इसीलिए सारा माहौल हमेशा से लाइट रहता है, आपके ऊपर वो काम का प्रेशर नहीं आता, तो आप हंसते हंसते सारा सीन कर जाते हो, बड़ा मज़ा आता है। थैंक यू मैम।